देश भर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। आलम यह हो गया है कि प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 48,300 के पार पहुंच गई है। इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश मुख्यालय और अन्य जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रदेश मुख्यालय में 21 अप्रैल से कंट्रोल रूम संचालित किया गया था और अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम की शुरुआत की गई थी। उन्होंने बताया कि कंट्रोल रूम के माध्यम से 1300 समस्याओं का निस्तारण किया जा चुका है। इस दौरान मदन कौशिक ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी दल केवल राजनीतिक इस समय कर रहे हैं, जबकि यह समय आलोचना करने का नहीं बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करने का है। मदन कौशिक का कहना है कि वैक्सीनेशन अभियान में भी बीजेपी जनता की मदद करेगी और किसी को किसी भी प्रकार की जरूरत वैक्सीनेशन के लिए पड़ती है तो पार्टी का कार्यकर्ता उसकी मदद करेगा। जो कर्फ्यू इस रूप में लगा हुआ है, चाहे वो प्रवासी भाई मित्रों आने वाले, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो गरीब इस प्रकार के लोग हैं जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार का निर्देश है कि आप अपने क्षेत्र में कहीं भी कोई भूखा ना रहे, इसकी चिंता आपको करनी है। बूथ को कोरोना मुक्त करने के लिए जो एक अभियान हम लोगों ने शुरुआत किया है, उस पर हमने तेजी के साथ काम किया है। आप अपने बूथ में हमारा कार्यकर्ता जाकर जहां वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं हुआ, यदि वो वैक्सीनेशन की श्रेणी में आ रहा है उसको वैक्सीनेशन कराने की व्यवस्था करना, बातचीत करना, उसमें पूरे बूथ में सैनिटाइजर मास्क इत्यादि देना, जन जागरण अभियान चलाना और जहां जिस चीज की आवश्यकता उसकी चिंता करना। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से एक अपेक्षा इस रूप में की है कि हम लोग इस कोविड के इस महामारी के समय में कोई भी कार्यकर्ता केवल बैठकर मुखदर्शक नहीं रहेगा, अपितु राजनीतिक दल होने के नाते यह दायित्व है कि इस जनता की समस्याओं का समाधान हम प्राथमिकता के आधार पर करें। और यही सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक जो हमारे जिलों के जो कंट्रोल रूम है, अगर हम देखें तो 26 तारीख से और आज तक और प्रदेश में 21 तारीख से करीब 1140 बड़ी समस्याएं वहां जो जिलों के माध्यम से हमने किया, जहां बेड दिलवाना है बेड नहीं मिला, जहां वेंटिलेटर की आवश्यकता थी कहां वेंटिलेटर खाली हो सकता है संपर्क करना, जहां उनको ऑक्सीजन बेड चाहिए उसकी व्यवस्था करना, जहां सिंपल डॉक्टर से करना है वो करना। तो इस प्रकार 1140 समस्याएं हमें जिलों से जो हमने आंकड़े लिए और 680 यहाँ हमारे केंद्रीय कार्यालय पर हुई, जो हमारा स्टेट का कंट्रोल रूम है 680 टोटल मिलाकर 1820, जिसमें से 1300 समस्याओं का समाधान तत्काल हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। आज से हमने एक केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा के अनुसार हम लोगों ने बैठकर तय किया है कि एक डॉक्टर का पैनल जो हमारे संपर्क में रहेगा, वर्चुअली जुड़ेगा, या उनके फोन नंबर हमारे कार्यकर्ताओं के पास रहेंगे, जिला स्तर पर भी इसको हम बनाने जा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर भी बना रहे हैं कि जब हमें सामान्यतः फोन आता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना है और हमारी तबीयत ऐसी है, तो सबसे पहले उन डॉक्टरों की सलाह एक बार हो जाए कि वो किस स्थिति में है। मुझे इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू किया, कल मैंने अपना अनुभव बताया कि कल मेरे पास जब सुबह फोन आए 8-10, तो मैंने संबंधित डॉक्टर को बात करके उनका नंबर दिया, उन्होंने बात की, उसमें से 60% ऐसे लोग थे कि जिनको हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं थी अपितु उन्होंने
डॉक्टर की सलाह पर दवाई लेकर वो घर में है, उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत भी इस रूप में नहीं थी। तो ये भी हम लोग एक हेल्पलाइन करके शुरू कर रहे हैं राज्य में, हमारे स्टेट में, यानी जो हमारा सेंटर ऑफिस है, ये हम कोशिश करेंगे आज या कल तक शुरू हो जाए। बाकी जिलों में भी हमने इस प्रकार के निर्देश जिलाध्यक्ष को कहा कि आप भी वो फ़ोन नंबर डॉक्टरों का पैनल बना के रखें, वो भी हम लोगों ने इस प्रकार का निर्देश उनको दिया है। आप सब विदित हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में यथासंभव सभी, चाहे वो सामाजिक संगठन हैं, भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, कोरोना के इस संक्रमण काल में यथासंभव अपनी शक्ति और ताकत से समाज के बीच में लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध हो, ये प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य में कोरोना के संक्रमण काल में कुछ बिंदुओं पर प्रदेश के संगठन को काम करने के लिए और इस प्रकार एक दिशा निर्देश दिए थे। प्रत्येक दिन रात को 8 बजे केंद्रीय हमारा नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सामान्य तौर पर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे पूरे प्रदेश के समन्वयक के तौर पर महामंत्री कुलदीप जी, हमारी जो कंट्रोल रूम है ये सारी, और कभी कभी जो हमारी समस्याएं आती हैं जनता के बीच में से मुख्यमंत्री, इस प्रकार से एक प्रत्येक दिन हम लोग इस समीक्षा रूप में लेते हैं। मित्रों, राजनीतिक दल में हम लोग काम करते हुए जब सामाजिक दायित्व का निर्वहन इस रूप में करते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो एक भाव है काम करने का, वो नज़र इस रूप में आता है। हम लोगों ने 21 अप्रैल से यहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है इसकी शुरुआत की थी। जिलों में हम लोगों ने 26 अप्रैल में अपने कंट्रोल रूम शुरू किए थे। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में जो हमारे 14 जनपद हैं और हमारा एक मुख्य कंट्रोल रूम है, ये पूरा जनता के बीच में एक समन्वय के रूप में काम कर रहा है। साथ साथ सरकार के द्वारा जो राज्य में समय समय पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय को जनता तक पहुंचाएं, उस निर्णयों का बेनिफिट जनता तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता इस रूप में कर रहा है। कुछ भी